एक बार दो दोस्त छगन और मगन दोनों साथ में बातचीत कर रहे थे दुनिया के बड़े बड़े आइलैंड के बारे में। लेकिन बातचीत शुरू होते ही छगन ने मगन को बोला कि भाई ये आइलैंड होता क्या है। तो मगन मस्त मगन होके छगन को बोलने लगा कि द्वीप, जिन्हें अंग्रेजी में आइलैंड कहते हैं। तब छगन फटाक से बोला, अरे भाई इतना तो मुझे भी पता है, आइलैंड क्या है ये बता। मगन ने बोला, रुको जरा, सबर करो। आइलैंड कॉन्टिनेंट के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर पानी का विस्तार पाया जाता है। आकार में द्वीप छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। इनका आकार कुछ वर्ग मीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। ऐसे बोलते बोलते मगन ने बोला कि वैसे तो हमारे धरती पे काफी सारे आइलैंड मौजूद है। फिर छगन ने बोला, अच्छा सुन, वो सब छोड़, तू मुझे सिर्फ 5 आइलैंड के बारे में बता जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े आइलैंड हो, ठीक है। मगन ने बोला, अरे यार वो तो मुझे नहीं पता। छगन ने बोला, क्या बोल रहा है, अब क्या करें। अच्छा चल उसको पूछते हैं। किसको? अरे नजीमुल भाई को। और किसको? अच्छा चल चल, अब वो दोनों मेरे पास आके मुझे भी वही पूछा। तो फिर मैंने उन दोनों को बोला, देख भाई शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। दुनिया के 5 सबसे बड़े द्वीप और सबकी अलग अलग खासियतें लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 5। अरे अरे नंबर 5 क्यों, नंबर 1 कहाँ गया? मैंने बोला, अरे सुन तो सही, मजा आएगा। अच्छा ठीक है भाई चल बता। नंबर 5, वफिन आइलैंड। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा और कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। हाल ही में साइंटिस्टों को यहाँ एक प्राचीन महाद्वीप का टुकड़ा मिला है जो करीब 15 करोड़ साल पुराना बताया जाता है। नंबर 4, मैडागास्कर आइलैंड। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित यह इंसुलर देश दुनिया का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर पाए जाने वाली अधिकतर पौधे और जंतु धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। इनमें लीमार लेमूर यानी प्राइमेट्स का एक ग्रुप, टेनरिक्स मतलब कांटों वाला चूहा, और चमकीली रंगों वाली गिरगिट शामिल है। क्या बात कर रहा है, उन दोनों ने बोला। अरे हाँ भाई सच में, चल अब आगे सुन। नंबर 3, बोर्नियो आइलैंड। ये दुनिया का 3रा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे तो बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों में बटा हुआ है, लेकिन इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है, जबकि इसका 26% हिस्सा मलेशिया में और महज 1% हिस्सा ही ब्रुनेई में पड़ता है। बोर्नियो आइलैंड का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन जंगलों में से एक माना जाता है। नंबर 2, न्यू गिनी आइलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित दुनिया का 2रा सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी का लगभग आधा भाग जंगलों से ढका हुआ है, जिसमें देवदार और अखरोट जैसे बड़े बड़े पेड़ मौजूद हैं। वैसे तो कंगारू यहाँ का मुख्य पशु है, लेकिन इसके अलावा यहाँ विचित्र प्रकार के उड़न लोमड़ी पाया जाता है। उड़न लोमड़ी, यह क्या है, उन दोनों ने बोला। उड़न लोमड़ी एक प्रकार का उड़ने वाला चमगादड़ होता है, जिसके पंख 3 फीट तक लंबी होती है और ये सिर्फ यहाँ पाई जाती है। बस हो गया यार, और नहीं बता सकता, उन दोनों ने झट से बोला। अरे भाई लास्ट ही तो बचा है, अब बोल भी दे। सो फाइनली नंबर 1, ग्रीनलैंड आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ये डेनमार्क के अधीन एक ऑटोनोमस देश है। विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति को छोड़कर ग्रीनलैंड का अपना कानून है। जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से ये यूरोप, खासतौर पर डेनमार्क से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। दैट्स इट, बस आज के लिए इतना ही। अब उन दोनों ने बोला, अगर ये तेरा वीडियो होता ना भाई, तो हम दोनों तेरे वीडियो को लाइक करते, शेयर करते और तो और तेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते। अच्छा चल कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाकर ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चल भाई बाद में मिलते हैं।